हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा स्विच है इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। इसमें पांच स्विच है, एक बोर्ड में छोटा सा बोर्ड है, इसमें पांच स्विच है और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इससे हम लाइट कैसे जला सकते हैं, पंखा कैसे चला सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आप देख सकते हैं। ओके, तो इसका चलिए कनेक्शन करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है आने वाला आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वायरिंग। तो ये हमारा लाइट है। ओके, मैंने लाइट का कनेक्शन जो है ये पहले न्यूट्रल मैंने जोड़ लिया है। अब ये जो फेज जो है मैं ये इससे मैं लाइट को ऑन करूँगा। तो चलिए इसका वायरिंग करते हैं। तो मैंने बहुत सारा वायर ले लिया है। ओके, ये जो स्विच है, मेरा पांच स्विच है इसमें, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसका वायरिंग हम लोग करते हैं। सबको एक कॉमन ले लेंगे, सब में से ये जो दो दो दिख रहा है आपको, दो दो होल जो दिख रहे हैं दो दो कनेक्शन के लिए, सब में से एक कॉमन ले लेंगे जिसमें हम फेज डाल सकते हैं। तो इसमें हम ये कॉमन ले लेते हैं। ओके, इसको हम टाइट कर लेते हैं। ओके, अब ये वायर जो है ये हम लोग यहाँ डालेंगे, ये वायर जो है इसमें जाएगा और इसके साथ एक और वायर जाएगा जो इसको कॉमन बनाएगा। मतलब पूरा सीरीज में इसको पांचों को हम लोग पहले एक पावर वायरिंग पहले कर लेंगे, सबको एक एक वायर सब में एक डालेंगे। ओके, तो मैंने ये डाल दिया। अब इसका ये तीसरा में जाएगा। ओके, तो इसको इसमें डालेंगे और इसमें एक और वायर डालेंगे ताकि इसमें हम डाल सकें। तो ये वायर, तो मैंने दो वायर कनेक्ट किया इसको इसमें। अब जो है ये वायर जो है ये यहाँ जाएगा। ओके, तो मैंने वायर डाल दिया है। अब जो है अब मेन है, मेन वायर जो है अब इसमें आएगा। ओके, ये लास्ट है। अब इसमें एक दो वायर आएगा, एक जो हमारा फेज आएगा वो लाइन वोल्टेज लाइन जो है। अब हमारा ये एक लाइन है, लाइन ये है, तो मैं इसमें इसको डाल दूंगा और साथ में इसको भी, ताकि ये दोनों वायर जाएगा इसमें ताकि पूरा सर्किट में हमारा पावर जा सके। जैसे मैंने आपको बोला था ये कॉमन है। सॉरी, मेरे को सर्दी हो गया थोड़ा, तो इस वजह से आवाज़ भारी है और थोड़ा सा नाक भी वो है। तो मैंने ये वायरिंग कर लिया। ओके, मैंने ऑलरेडी ये न्यूट्रल का वायर डाल दिया है। अब ये जो है ये फेज है। ओके, अब बारी बारी से मैं पांचों स्विच से कनेक्शन ये बल्ब के लिए मैं डालूँगा और पांचों से मैं बताऊँगा कि इससे कैसे जलता है। तो पहले मैं ये बल्ब का कनेक्शन इसमें करूँगा। ओके, उसको देखूँगा कि उससे मेरा बल्ब जलता है कि नहीं। तो मैंने बल्ब का कनेक्शन कर दिया है। ये देखिए, ये फेज और ये न्यूट्रल, न्यूट्रल मेरा डायरेक्ट आएगा और फेज जो है ये स्विच से हम लोग दिए हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मैं पावर इसको दे रहा हूँ। ओके, मैंने पावर दिया इसको ये बोर्ड से, आप देख सकते हैं मैंने ये बोर्ड से पावर दिया इसको। तो मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ, लाइट जल गया। अब इसको मैं बंद करता हूँ ये स्विच से। ये हमारा मैं बीच वाला से कनेक्शन दिया हूँ, बंद हो गया, चालू हो गया। तो ऐसे अगर बारी बारी से हम इसमें करते हैं, एक यहाँ पे है, मैं इससे निकाल के इधर करता हूँ, इधर करता हूँ, इधर इधर, तो हमारा ये जो है पांचों स्विच हमारा काम करेगा। पांच स्विच आप लगा सकते हैं, जैसे फ़ैन हो गया और हो गया आपको टीवी के लिए, आपको और भी
जो भी चीज़ आप लगाए हैं घर में, बल्ब हो गया, 3-4 बल्ब लगा सकते हैं, तो ऐसे इसका वायरिंग होगा। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर बताइए। ओके, बारी बारी से, जैसे मैंने अभी इसमें इसको लगाया, उसके बाद फिर मैं इसमें लगाऊंगा, फिर उसके बाद इसमें, ओके, उसके बाद फिर इसमें इसमें, तो ऐसा कनेक्शन हमारा होगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।